हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब गाइस। यूपीएससी ईपीएफ 2020 परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो होने वाली है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और जनरल अकाउंटिंग है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इस वीडियो में करेंगे। तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए, मुझे बताइए कौन कौन से स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से आ जाइए दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। मुझे नहीं पता था सेल्फी आपका दूसरा सेशन भी 10 बजे है। जल्दी से बच्चे बताइए कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। जितनी भी वीडियोज हम यहाँ पोस्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उस सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप आरबीआई ग्रेड भी, नबार्ड ग्रेड है, नबार्ड ग्रेड भी, ईपीएफओ और सभी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इन कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। लिंक पर क्लिक कीजिए, आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट के थ्रू आप कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पे दिया है 8146207241। आप हमें ईमेल लिख सकते हैं hello@edutab.co.in पर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए। आज मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, आप लोग क्वेश्चन रीड करके फिर आंसर दीजिए, ताकि एग्जाम में भी आपको खुद रीड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए आप लोग खुद रीड करके आंसर दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन आप खुद रीड कीजिए। आज 15 क्वेश्चंस हैं और स्टार्टिंग से बता रहा हूं, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, हर रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 नेगेटिव मार्किंग, और हर क्वेश्चन जो आप स्किप करोगे उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे, ये नहीं कि एक बच्चा आंसर कर दे तो बाकी बच्चे आंसर ना करें। आज आप खुद क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर दीजिए, एग्जामिनेशन जैसा माहौल आपको मिलने वाला है आज। सेल्फी कह रही 50% होना चाहिए, अजय कह रहे हैं बी 50%, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, सब बच्चे आंसर करेंगे। सब बच्चे आंसर करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं, आपको आंसर नहीं पता तो इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन लिख के तो सही कि मैं स्किप करूंगा। लक्ष्मी दुर्गा बी, एकता पंडोला बी, इसका सही आंसर दोस्तों है 50%। ठीक है, बी सही आंसर है, आप लोगों ने सही आंसर दिया, लेकिन बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए अपना। ठीक है, 40 सेकंड्स का टाइमर लगा है, 40 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर करना होगा। क्या कह रहा है, कोड ऑन वेजेस के अंडर टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस विच मे बी मेड इन एनी वेज पीरियड फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड -% ऑफ सच वेजेस। आपकी डिडक्शंस की मैंने एक सेक्शन बताया था आपको कि इन इन मुद्दों पर आप डिडक्शन की जा सकती है आपकी वेजेस में से, लेकिन एक वेज पीरियड के अंदर, मतलब वेज पीरियड मतलब महीने का हो सकता है, मंथली हो सकता है, आपका वो क्या फोर्टनाइटली हो सकता है, 15 दिन का पीरियड हो सकता है, तो एक वेज पीरियड के अंदर मैक्सिमम 50% ऑफ वेजेस की डिडक्शन हो सकती है, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप खुद पढ़िए। यहाँ पर द फैक्ट्रीज एक्ट लिखा है, फैक्ट्रीज एक्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर किसी ने हल्का सा भी पढ़ा हुआ है ना, मतलब आपको डिटेल में नॉलेज होनी ही नहीं चाहिए इसके लिए, अगर आपको उसका एबीसी भी पता है तब भी आप आंसर कर दोगे। आज के क्वेश्चन में लाए हैं ऐसा हूं कि वैसे तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मतलब पढ़ा होना चाहिए डिटेल में, लेकिन आज के क्वेश्चन में अगर आपके पास कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस से भी आप आंसर कर दोगे। गौरव कुमार बी को कह रहे हैं, सेल्फी डी को कह रही हैं। और बाकी बच्चे कुछ कह नहीं रहे, एकता, लक्ष्मी, अजय, जल्दी से आंसर करिए।
वेद प्रकाश जी भी डी को कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अच्छा मुझे बताइए, फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो कौन से लेबर कोड में मर्ज कर दिया गया है? जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है वो कौन से लेबर कोड में मर्ज कर दिया गया है? गणेश्वर जी कह रहे हैं सी, बाकी वेद प्रकाश, गौरव, डी अजय, ए। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो कौन से लेबर कोड में मर्ज किया गया है? आपको इसका लॉजिक भी दूंगा ना मैं, लॉजिक के थ्रू आप इजीली एसोसिएट कर पाओगे। जो जो बच्चे कह रहे हैं बी, अब मेरी बात सुनिए, जो हमारा कोड ऑन वेजेस है, कोड ऑन वेजेस बात करता है हमारा वेज रिलेटेड लेजिस्लेशन के लिए। कोड ऑन वेजेस में कौन कौन से एक्ट को मर्ज किया गया है? पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस और इक्वल रेमुनरेशन, यानी कि वो चार तो बात करेंगे वेजेस का। उसके अलावा और कोई तो नहीं है जो वेजेस की बात करेंगे? नहीं, यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट वेज रिलेटेड लेजिस्लेशन तो नहीं हुआ, यानी बी आंसर तो यहाँ पर गलत हो गया, बी आंसर तो यहाँ पर गलत हो गया। अब फैक्ट्रीज एक्ट जो है, अब बाकी बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी और कुछ बच्चे कह रहे हैं सी। अब सी और डी में लड़ाई है, अब एक बार दोबारा सोचो और मुझे बताओ कि इसका डी होना चाहिए सी होना चाहिए। जल्दी से बताओ, अच्छा अब आपने सेल्फी ने और गणेश ने बताया कि कॉर्डन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ ने उसको मर्ज कर लिया। अब बच्चे कह रहे हैं डी होना चाहिए। बच्चों सिर्फ गणेश्वर जी ने सही आंसर दिया, इट इज अ वेलफेयर लेजिस्लेशन, इट इज अ वेलफेयर, क्योंकि जो फैक्ट्री एक्ट है वो बात क्या करता था? वो बात करता था आपकी हेल्थ की, आपकी सेफ्टी की, आपके वेलफेयर की। उसने तभी तो कहा था कि वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होने चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होने चाहिए, आपको प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए, प्रॉपर यहाँ पे ये कमिटीज होनी चाहिए। तो बात करता है आपके वेलफेयर की, ठीक है जी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सबने, मतलब गणेश्वर जी को छोड़ के सबने गलत आंसर दिए, सब लोग अपना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको 0.33 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है। 0.33 नेगेटिव मार्क काउंट कर लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज बिहाइंड द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द ट्रेड यूनियंस? ऐसी सिली मिस्टेक एग्जाम में मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, और एग्जामिनेशन में कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं तो थोड़े से घुमा के आएंगे। आपने पढ़े हुए हैं, आपने रीड किए हैं टॉपिक्स को। अब जो बच्चे वेज रिलेटेड कह रहे थे वो तो बिल्कुल ही, मतलब अरे दिमाग लगाओ, कोड ऑन वेजेज है ना यार, कोड ऑन वेजेज में कौन कौन से रिपील हुए हैं। अब बात करी जाएगी फैक्ट्रीज एक्ट की, फैक्ट्रीज एक्ट में अंडर कंटेंट क्या था? हेल्थ का, सेफ्टी का, वेलफेयर का। थर्ड का क्या होना चाहिए? सेल्फी, रोहन, गणेश्वर, एकता, अजय, नित्या, वेद प्रकाश सब डी कह रहे हैं। इसका आंसर डी है, बिल्कुल सही है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द ट्रेड यूनियन। ये सभी के सभी जो हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेशन के रीजंस हैं। सोशो कल्चर इनहिबिशन, मतलब उनकी जो सोसाइटी उन पर प्रेशर डालती है। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी क्या है, वो वुमेन को थोड़ा पिछड़ा मानती है, तो उसकी वजह से भी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब उनको टाइम नहीं मिल पाता ट्रेड यूनियन का पार्टिसिपेट करने के लिए, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अपने फैमिली को संभालना होता है, अपने बच्चों को संभालना होता है। मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ यूनियंस, यूनियंस में क्या होता है कि मैक्सिमम जो होते हैं ना वो मेल एम्प्लॉयज होते हैं, फीमेल एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंटेशन मिलती है पर बहुत कम मिलती है। तो उसमें जो नॉर्मली जो चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होते हैं, नॉर्मली मेल होते हैं। वहाँ पर एक मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर वुमेन अपने आप को आउट ऑफ प्लेस फील करती है। तो ये सभी रीजंस है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द ट्रेड यूनियंस के, ठीक है। वेद प्रकाश आप क्या चाह रहे कि मतलब इंग्लिश में रीड करूं या हिंदी में उसके प्रिंट आउट भी लेकर आऊं, मतलब हिंदी में क्वेश्चन लिखूं आपके लिए? तो अभी पढ़ भी सकते हैं, कुछ रीजन मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं कि मार्टेंस एंड मेटर पॉइंट आउट दैट द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन यूनियनिज्म अमंग वुमेन वर्कर इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन बट बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ मेनस्ट्रीम ट्रेड यूनियंस दैट डज नॉट सफिशिएंटली एड्रेस द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वुमेन लाइक चाइल्ड केयर, सेक्सुअल हैरेसमेंट एटसेट्रा। एज अ रिजल्ट वुमेन आइदर रिमेन अनऑर्गेनाइज्ड और मोबिलाइज्ड देमसेल्फ इन अनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ द वेरी फ्यू हु जॉइन यूनियंस
इवन अ फ्यूअर पार्टिसिपेट एक्टिवली इन यूनियन एक्टिविटीज़, सम अदर रीजन बिहाइंड द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इन द यूनियन आर एज फॉलोज। ये कुछ रीज़न बता दिया आपको मैंने, कह रहे हैं कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन कम होता है, मैक्सिमम रीज़न क्या होता है उसका, कि वुमेन जो है उनको लगता है कि यहाँ पे कल्चर ऐसा नहीं है, मेल डोमिनेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन अंदर से करना नहीं चाहती पार्टिसिपेट, बट वो कर नहीं पाती, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका इनहिबिशन है, हमारी सोसाइटी के सोसाइटी उन पर कुछ प्रेशर क्रिएट कर देती है, और इसलिए वो क्या करती है, वो अपने छोटे छोटे इनफॉर्मल वे में एसोसिएशन क्रिएट कर देती है, लेकिन वो जो मेल डोमिनेटेड यूनियंस है उसका पार्टिसिपेट एक्टिवली नहीं कर पाती। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए, जल्दी से पढ़िए और आंसर कीजिए। वेद प्रकाश, हिंदी में प्रिंट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरी हिंदी लिखन में मतलब इतनी अच्छी नहीं है। इतना मैं कर सकता हूँ कि आपको हिंदी में पढ़ के समझा दूंगा, मेरी हिंदी लिखनी बहुत ही ना ही मुझे हिंदी की टाइपिंग आती है, और मेरी हिंदी लिखना बहुत ही मेरे को अच्छी आती नहीं है हिंदी लिखनी। मैं आपको हिंदी में पढ़ के समझा सकता हूँ, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ वेद प्रकाश। अच्छा, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो पर लाइक बनता है, और वीडियो पर लाइक आना चाहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से सब बच्चे देंगे। अच्छा, सेल्फी और रोहन कह रहे सर ए होना चाहिए, एकता भी ए को सपोर्ट कर रही है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, विच वन इज नॉट द वन अमंग देम, नॉट द वन मतलब नेगेटिव वाला क्वेश्चन है। गिनेश्वर जी कह रहे सर डी होना चाहिए। मुझे लगता है गणेश्वर जी सबसे अलग चल रहे हैं, क्या पता उनका आंसर सही हो, क्योंकि पहले भी उन्होंने एक बी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का अलग आंसर दिया था, उनका आंसर सही था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो रोहन का आंसर सही है और गणेश्वर का आंसर सही है, वेरी गुड। हम लोगों के लिए इनके लिए क्लैप करना चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट था ये मान के चलना पड़ेगा। मतलब जब भी हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स की थ्योरी क्या कहती है, वो बिल्कुल अगेंस्ट थी कैपिटलिस्टिक कल्चर की। ठीक है, मार्क्स की थ्योरी बिल्कुल अगेंस्ट थी कैपिटलिस्टिक कल्चर की। तो चाहे मैं किसी भी मतलब एंड पे बात करूं, चाहे आप इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आपका, चाहे आपका हिस्ट्री पे क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, चाहे आपका लेबर वेलफेयर पे क्वेश्चन आ जाए, जब भी कार्ल मार्क्स की बात हो जाएगी तो आपको सोशलिस्टिक बिहेवियर की तरफ जाना पड़ेगा, आपको क्लास कंफ्लिक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, कि वो बिल्कुल ही कैपिटलिस्टिक कल्चर के अगेंस्ट थे। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कार्ल मार्क्स बिलीव दैट कैपिटलिज्म रिजल्ट्स इन 3 आउटकम्स विच एड इन द ग्रोथ ऑफ लेबर मूवमेंट, नेमली टेंडेंसी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ विद कैपिटलिस्ट, द टेंडेंसी ऑफ डिप्रेशन ऑफ वेजेस एंड रिजल्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स एंड इनएविटेबली ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, उनके मतलब कार्ल मार्क्स के बिलीफ क्या थे कि लेबर मूवमेंट के लिए क्या क्या रीजंस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला टेंडेंसी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ विद कैपिटलिस्ट, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें लेबर मूवमेंट करना क्यों है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है वो अपने पास पैसा इकट्ठा करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते वर्कर्स के पास। अच्छा, द टेंडेंसी ऑफ डिप्रेशन ऑफ वेजेस, वेजेस कम होती जा रही हैं तो वर्कर सफर कर रहे हैं, एंड रिजल्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। और आपको पता है जिस टाइम कार्ल मार्क्स है ना उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, अब लेबर के पास पैसा नहीं है, और जो आपके रिच पीपल है कैपिटलिस्टिक लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, तो इस वजह से कार्ल मार्क्स ये बिलीव करते थे कि अल्टीमेटली यही रिजल्ट करता है आपका लेबर मूवमेंट में। ठीक है, आगे बढ़े, व्हाट डज द फ्रेज नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ इन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मीन। क्वेश्चन 5 जल्दी से आंसर कीजिए।
क्वेश्चन फाइव जल्दी से आंसर करो। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हुआ है आपसे, अगर आप बाकी टेस्ट भी अटेंड करते आए हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। पांच बच्चों ने आंसर दिया, अभी बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। इसका सही आंसर यही है दोस्तों, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। ठीक है, अगर मान लो मेरा केस चल रहा है, मैं खुद ही जज हूँ, तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं तो अपने तरफ बायस ही रहूंगा। सेल्फी, अब दोनों अकाउंट की क्लास देख रहे हैं, आपकी दूसरी क्लास कौन सी है? हमारे चैनल पर ही है क्या वो दूसरी क्लास? दूसरी क्लास कौन सी आपकी सेल्फी? चलो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि नॉर्मली जब भी हम किसी का जस्टिस करते हैं, जब भी कोई जजमेंट देते हैं, तो हमारा जो जजमेंट है वो फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए और जजमेंट सही होना चाहिए। उसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक तो होता है नेमो जुडेक्स इन क्लॉज़ा सुबह, उसमें होता है कि अपने ही केस में आप जज नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका बायसनेस आ जाएगा, आपका सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। और दूसरा ऑडी अल्टरम पार्टम, मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी को सुना आपने डिसीजन दे दिया। आपको अगर डिसीजन देना है तो दोनों पार्टी को सुनने का मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोनों पार्टी को मिलना चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्स, द लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन विच नेगोशिएशन हैपन बिटवीन वेरियस फॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इज डैश। जल्दी से आंसर करो। ओके सेल्फी, आई गॉट योर थिंग कि आप कोई और चैनल पर देख रही हैं। क्वेश्चन सिक्स का आंसर जल्दी से कीजिए बच्चों। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने इतना इजी क्वेश्चन क्यों डाल दिया आप लोगों के लिए? मेरा मूड काफ़ी अच्छा रहता है आजकल, मैंने आप लोगों के लिए ना इतने इजी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। इतना इजी क्वेश्चन है, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप तो आईएएस की प्रिपरेशन करते हो, आपके लिए इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए ना, आपके तो हाई लेवल क्वेश्चन आने चाहिए। अच्छा जी, सेल्फी कह रही बी, एकता कह रही सी और रोहन कह रहे डी। ये तो बहुत पुरानी फ्रेंडशिप थी इनकी, ये तो टूट गई। सेल्फी, एकता, रोहन, आपकी फ्रेंडशिप टूट गई मुझे लगता है। बी, सी, डी तीनों ने अलग अलग आंसर दिए। दिनेश्वर कह रहे सी। बच्चों जल्दी से आंसर करो, अजय, वेद प्रकाश, जल्दी से आंसर करो बच्चों। लक्ष्मी, आंसर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा वेद प्रकाश तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्री लेवल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म्स के बीच में हो रही है, तो बी तो नहीं हो सकता ना। एंटरप्राइज लेवल क्या होता है कि एक ही एंटरप्राइज के अंदर हो रही है, उसके लेबर और उसकी कंपनी, मतलब टाटा और टाटा के लेबर में हो रही है, तो वो हो जाएगी एंटरप्राइज लेवल। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स बिलोंगिंग टू द सिमिलर इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे इंडस्ट्रियल लेवल का हो गया। बिल्कुल सही, गणेश्वर जी ने, वेद प्रकाश जी ने और एकता ने सही आंसर दिया है। सेल्फी का और रोहन का गलत आंसर हो गया। अमित का सही है, सयान मिश्रा का सही है, वेरी गुड। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है कि जो नेगोशिएशन होती है वो चार लेवल पर होती है, प्लांट, इंटरप्राइज, इंडस्ट्री और नेशनल। नेशनल लेवल तो आपको पता है ना, पूरी कंट्री वाइज जो होगा, जो मोस्टली जो नेशनल लेवल होती है ना वो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट होती है, जैसे रेलवेज की हो गई, या फिर आप ये मान सकते हैं जो पूरे इंडिया का कोल डिपार्टमेंट उसकी हो गई, ऐसे हो सकता है। जो प्लांट लेवल है, एक ही प्लांट एक यूनिट लेवल पर होती है। एंटरप्राइज लेवल मतलब मैनेजमेंट की और पूरी इंटरप्राइज, और इंडस्ट्री लेवल मतलब वेरियस कंपनीज इन इंडस्ट्री, मतलब क्या हो जाएगा कि जितनी भी आप क्या कह सकते हैं, जितने भी आईटी सेक्टर के लोग हैं उनकी अगर पूरी की पूरी नैसकॉम से हो गई, जो जितनी भी आईटी की यूनियन है उससे हो गई, या फिर जितने भी आप कह सकते हैं कुछ भी
इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी इंडस्ट्रीज के लोग हैं और उनकी मैनेजमेंट के बीच में होगी, उनकी डिफरेंट कंपनीज के बीच में होगी, तो उससे आप इंडस्ट्री लेवल को होगी। ठीक है, नेशनल लेवल जो रोहन होती है ना, नेशनल लेवल बेसिकली ज़्यादातर गवर्नमेंट के साथ होती है और नेशनल लेवल एक मतलब लास्ट के पे होती है, आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादातर गवर्नमेंट के साथ होती है क्योंकि नेशनल लेवल ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो नेशनल लेवल पर काम करती हो। ठीक है, मोस्टली इंडस्ट्री टाटा भी होगी, टाटा के भी अगर यूनिट्स होंगे या फैक्ट्रीज होंगी वो कहाँ होंगी, 3-4 स्टेट्स में होंगी, ज़्यादा तो नहीं होंगी ना। नेशनल लेवल ज़्यादातर गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटीज में होती है या फिर किसी बड़े बड़े पीएसयूज में होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ हिंद मजदूर सभा फॉर्मड इन 1948। ये थोड़ा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आ गया और थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पूछा गया है। जोसेफ बैप्टिस्टा, एन एम जोशी, आर एस रुईकर, शिवनाथ बनर्जी। अच्छा ये भी बता देता हूँ, इसका आंसर ना बहुत बच्चे गैस करने वाले हैं, किसी को आंसर नहीं पता, गैस करोगे आप सब। सब बच्चे आंसर करेंगे और मैं बता भी रहा हूँ कि बहुत बच्चे गैस करने वाले हैं इसका आंसर। अच्छा एलिमिनेशन टेक्निक लगाई होगा ना आपने, मैंने सिखाई थी आपको, याद है। सब बच्चे कह रहे हैं आर एस रुईकर होगा, अमित जी कह रहे हैं कि जोसेफ बैप्टिस्टा होना चाहिए। ओके, सही आंसर है सी, आर एस रुईकर। ठीक है, थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं कि हिंद मजदूर सभा 26 दिसंबर 1948 को मतलब फॉर्म की गई थी, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आर एस रुईकर, बाकी उसके जो मेंबर्स थे उनका नाम है आप पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं कि सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कौन था सबसे पहले, अशोक मेहता, बाकी जो है शिवनाथ बनर्जी, मणिमन कारा, अशोक मेहता, ये इसके क्या थे, इसके फाउंडर मेंबर थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपका अकाउंट्स का क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। नॉमिनल, रियल, आर्टिफिशियल, पर्सनल या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सब कह रहे हैं डी, श्रवण सी आर कह रहे हैं सर ए होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, एक तरह की रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होती है। ठीक है जी, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो और बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और बताइए मुझे इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। सेल्फी, आप दो नावों में पैर रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो गिरेंगी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।
जल्दी जल्दी फ्रेंड्स जल्दी। अच्छा आपने स्किप कर दिया, बहुत ईजी है वैसे, लॉजिक से हो जाएगा ये। अमित ए, रोहन डी। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। नॉमिनल मतलब नाम नाम का, ठीक है, बाय द नेम ओनली, नाम नाम का पार्टनर। मैं बता दूं इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉमिनल पार्टनर जो होता है ना, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंसर्न। मतलब उसको उसको क्या मिलता है कि वो फर्म में क्यों आता है, नाम नाम का पार्टनर है, वो फर्म में आता है इसलिए था कि फर्म की गुडविल बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको फर्म में प्रॉफिट नहीं मिलते, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी होती है लेकिन उसको फर्म में प्रॉफिट नहीं मिलते, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए आंसरेबल है, नॉट लाइबल फॉर द सॉरी थर्ड पार्टी के लिए जो सॉरी आप एक्ट करते हो, फर्म एक्ट करती है कोई भी, उसके लिए वो आंसरेबल है, और उसको लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि उसको फर्म में प्रॉफिट नहीं मिलती। नॉर्मली उसको सैलरी मिलती है, कुछ कमीशन मिल जाता है, लेकिन फर्म के प्रॉफिट उसको नहीं मिलते, नाम नाम का पार्टनर होता है। ठीक है, उसको फर्म के प्रॉफिट लॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अलाउ क्या करता है कि मेरा नाम अब फर्म यूज कर सकती है अपना, ठीक है जी। और वो बेसिकली क्या करता है, वो उसको बाकी सब कुछ तो होता है, बाकी उसकी लाइबिलिटी पूरी होती है, क्योंकि अब आप उसकी गुडविल यूज़ कर रहे हो। अब गुडविल आप किसी की यूज़ करोगे और उस गुडविल की वजह से लोग आप में इन्वेस्ट करेंगे, आपके साथ डीलिंग करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी हो गई, या तो पार्टनर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी थर्ड पार्टी की तरफ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पूरी होती है लेकिन उसको फर्म के प्रॉफिट लॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है जी, आगे बढ़े, टाइमर चलता है ना, 40 सेकंड से पहले आंसर कीजिएगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक बिफोर अलॉटमेंट इज कॉल्ड डैश। हाँ वेद प्रकाश बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमेंट देख के भटक जाते हैं कई बार हम लोग, वो था ना नकल अकल वाली जो सिचुएशन होती है, नकल के लिए अकल चाहिए, कई बार हम नकल करते हैं पर आसपास के बच्चे में और कंफ्यूज कर देते हैं, गलत आंसर बता देते हैं, वो वाला सिचुएशन हो जाता है। सेल्फी कैरी बी होना चाहिए, बाकी मुझे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इतना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एटलीस्ट, अगर इसमें आप इतना टाइम लगाओगे ना फिर तो आपका पेपर जरूर पूरा हो जाएगा, पेपर नहीं पूरा होगा आपको अगर इतना टाइम लगेगा आपको, इतना इजी क्वेश्चन है ना ये कि हद नहीं है, मुझे लगा था मैंने एक गलती से डाल दिया क्वेश्चन, पर आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो यार, इतना टाइम लगेगा वेद प्रकाश जी, एकता, रोहन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपने लॉ में भी पढ़ा होगा अगर लॉ के स्टूडेंट्स हो आप, और दूसरी चीज़ आपको यही पता है कि एक मिनिमम अमाउंट होता है, अगर आपने शेयर इशू कर दिए तो अगर इतने से कम सब्सक्रिप्शन आएगी, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो इशू कैंसिल करना पड़ेगा, और नॉर्मली वो बता भी दो आपको कितना होता है, नॉर्मल जो हमारा लॉ कहता है वो कहता है 90% होना चाहिए, मतलब अगर मान लीजिए मैंने 100,000 के शेयर इशू किए मार्केट में, तो मिनिमम 90% यानी कि 90,000 की तो सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, वरना पूरा का पूरा इशू कैंसिल कर दिया जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बहुत लेट आंसर करते हो आप लोग यार, और कई कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे, पता नहीं करने के आए हो आप लोग, आए हो तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। इसका भी आपको नहीं पता, मुझे पता है, इसका भी गेस करने वाले हो आप लोग। बिल्कुल सही नित्या जी, वेरी गुड। क्वेश्चन 11 इसका आंसर नहीं पता होगा बहुत बच्चों को, सब बच्चे गेस करेंगे मुझे पता है इसका। इलेवन स्किप कर दिया रोहन आपने। अगर किसी बच्चे को ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फुल फॉर्म ज़रूर याद कीजिएगा, अगर फुल फॉर्म याद कर दिया ना आधी कहानी वही सॉल्व हो जाती है,
क्योंकि इनमें से एक के ना फुल फॉर्म में ही उसका ये पता चल जाएगा कि वो कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करते हैं। आप मेरी बात सीरियसली लेते नहीं हो, मैं आपको जैसे गाइड करता हूँ ना, एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होने वाली है। मैंने स्पेसिफिकली एक बार आपकी सीरीज ली थी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और स्पेसिफिकली कहा था कि आप फुल फॉर्म ज़रूर याद कीजिए, तो फुल फॉर्म याद किया कीजिए बच्चों। वेद प्रकाश कह रहे हैं ए, सेल्फी कह रही है ए, और एकता कह रही है सर डी होना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे साथी कह रहे हैं, जो बच्चे ए कह रहे हैं, युक्ति कह रहे हैं, उन दोनों के फुल फॉर्म मुझे बताइए। साथी और युक्ति की फुल फॉर्म बताइए मुझे। मैंने आपको बताया ना कि इनकी फुल फॉर्म में ही इनका पता चल जाएगा कि ये कौन सी कोविड के अगेंस्ट है। तो कोई बच्चा बच्चे इसकी फुल फॉर्म बताएगा, जो बच्चा फुल फॉर्म बताएगा सब बच्चे उसके लिए तालियां मारेंगे। मुझे बताओ कि युक्ति की और साथी की फुल फॉर्म क्या है। इतना ही बता दो कि युक्ति और साथी में से एक है, ए और डी में से एक है। अब आप मुझे बताइए कि युक्ति है या साथी है, उसकी फुल फॉर्म बताइए दोनों की। किसी को नहीं पता, चलो आंसर बता दो। इसका आंसर ए युक्ति होना चाहिए, ठीक है। युक्ति इज एन इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। युक्ति की फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है जी। उसके नाम में ही कोविड आ जाता है तो आपको पता इजीली कैसे हो सकता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था, किस लिए लॉन्च किया था, टू कवर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कोविड-19 चैलेंजेस इन अ वेरी हॉलिस्टिक एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव वे एंड टू कीप आर अकेडमिक कम्युनिटी हेल्दी बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है और फुल फॉर्म में देख सकते हैं कि कोविड वर्ड तो फुल फॉर्म में ही आ रहा है, तो इजीली आपको गेस कर पाओगे कि युक्ति आपका कोविड-19 के अगेंस्ट एक इनिशिएटिव है। जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करोगे, बहुत इजीली याद हो जाएगा। फुल फॉर्म ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। रोहन कह रहे सर अच्छा कोरोना से फाइट किया, अच्छा आप रिकवर हो चुके हैं, दैट इज वेरी गुड। और देखिए पैंडेमिक तो रहेगा, पैंडेमिक आपको पता है ना कि आपदा आपको अवसर में बदलिए, तो वो सिचुएशन आप लोगों के साथ है। आप लोगों को इस पैंडेमिक की वजह से टाइम मिला है तो टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अब मैं कंप्लीटली एग्री कर रहा हूँ कि पढ़ने का मन नहीं करता जब बाहर माहौल ऐसा है, बॉडी अलाउ नहीं कर रही, ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। लेकिन अब ये चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं तो इसको फेस भी हमें ही करना पड़ेगा। अब आपको करना पड़ेगा, देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब दो तरह के बच्चे होंगे इस कोविड-19 के पैंडेमिक में, जब लॉकडाउन में बैठे हैं ना, आधे बच्चे तो सोच रहे हैं पेपर होगा ही नहीं, चलो छोड़ो पढ़ाई छोड़ दो। आधे बच्चे ऐसे जब भी होगा ना, हम इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे कि सिलेक्शन हमारा ही होगा। दोनों तरह के बच्चे, अब आपको डिसाइड करना है आपको किस साइड में जाना है। और जो आपका आधा कॉम्पिटिशन तो इसी वजह से ख़त्म भी हो गया कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, या अब आप अनफॉर्चुनेटली कहें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जिनके घर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है बिकॉज ऑफ पैंडमिक, वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे अपनी पढ़ाई के ऊपर। सो इफ़ यू आर लकी इनफ, ठीक है, सब कुछ ठीक है, रिसोर्सेज हैं, आपने कोर्स परचेज किया है, आप सेशन अटेंड कर पा रहे हो, घर पे सब ठीक है, आप लोगों की तबीयत ठीक है, तो प्लीज़ टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को। टोटली एग्री रोहन, आई नो कोरोना के पोस्ट इफेक्ट भी बहुत खतरनाक है, बॉडी में बहुत ज़्यादा वो रहता है, लेकिन थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। वेद प्रकाश जी, कोई गैस वक्त नहीं चलेगा यहाँ पर कि पेपर कब तक होगा। मैं आपको कोई एक झूठा वादा भी नहीं करना चाहता क्योंकि सिचुएशन पर डिपेंड करता है सब कुछ। ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस एंड रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज नोन एज डैश। इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू मैटरनिटी बेनिफिट।
हम 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, जल्दी से 13th क्वेश्चन का आंसर कीजिए बच्चों, जल्दी से। थर्टींथ का सेल्फी कह रहे सी होना चाहिए, रोहन भी कह रहे सी होना चाहिए। हाँ सबको पता है या सबने ये क्वेश्चन देखा हुआ पहले? हाँ वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा इसका गलत हो गए, अमित का आंसर गलत हो गया, सी यहाँ पे सही है क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि वहाँ पे 12 वीक्स होता है, 15 वीक्स नहीं होता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है कभी कभार कंफ्यूज करते हैं क्योंकि जब भी आपका आंसर होता है ना ऑल ऑफ द अबव आर फॉल्स, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, तो बहुत बच्चे इसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं है ना, ऑप्शंस पढ़ते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर आपको मैं प्रैक्टिस में देता हूँ ताकि आपका दिमाग खुल सके थोड़ा बहुत। ठीक है जी, 21 बच्चे जुड़ चुके हैं और मिनिमम 21 लाइक चाहिए आज की वीडियो में मुझे। ठीक है, मिलने वाले कि नहीं मिलने वाले बताओ जल्दी से, किस किसने लाइक नहीं किया वीडियो को। अच्छा क्वेश्चन 14 आप लोगों के लिए आ गया है, जल्दी से पढ़ो और बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। वीडियो को दबाकर लाइक करो और सेशन में बच्चों टाइम से आया करो, जब सेशन स्टार्ट होता है बच्चे बहुत कम होते हैं, सेशन के एंड तक बच्चे बहुत अच्छे मतलब अच्छे खासे नंबर में आ जाते हैं, तो स्टार्टिंग में आओगे तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओगे। नित्या जी कह रहे थे डी होना चाहिए। ओके सब डी को सपोर्ट कर रहे हैं, चलिए डी सही आंसर है। यहाँ पर किसको नोटिस देना चाहिए, अगर नहीं दिया तब भी उसको लीव तो मिल जाएगी, और उसको चाहिए कि जब भी वो रिकवर करे, जब भी लीव से आए तब इमिडिएटली वो नोटिस दे दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन अ वुमन शेल ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ बी एंटाइटल्ड टू लीव विद वेजेस एट द रेट ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ डैश इमिडिएटली फॉर द डे ऑफ अ ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं नसबंदी के ऑपरेशन को। मैंने कहा था ना सेल्फी एक मतलब उसमें सवार होगे ना एक नाव में, तो आप पक्का आगे पहुंच जाओगे। बिल्कुल वुमेन से पंगा नहीं लेना चाहिए हमें, इस क्वेश्चन के बाद मुझे बताइएगा कि कितने मार्क्स आए आपके आउट ऑफ 15। हर क्वेश्चन के लिए एक सही मार्क्स, हर रॉन्ग आंसर के लिए 1 पॉइंट दे दे नेगेटिव मार्किंग, और जो आंसर नहीं किया उसके लिए कितना, कोई आंसर नहीं मिलेगा, कोई जवाब, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, फिर कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं सी। ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन का कितना टाइम पीरियड की लीव थी आपको याद है? आरजे आपने वीडियो नहीं देखी, कोर्स के स्टूडेंट हो तो वीडियो दोबारा से देखिएगा। चलो 2 वीक्स की आपको लीव मिलती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन में आपको 2 वीक्स की लीव मिलती है। ठीक है जी, तो मुझे बताइए कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में मार्क्स बता दो, और जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे मार्क्स बताएंगे। और दोस्तों कुछ भी आपका फीडबैक है, आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी नहीं लगी, कुछ भी आप हमें कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ईमेल आईडी भी पता है हमारी, ईमेल आईडी पर जाएंगे आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं फीडबैक देने के लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में तो आप फीडबैक दे ही सकते हैं। सेल्फी के ने 11 सही आंसर दिए, 4 रॉन्ग दिए, तो 9.67 मार्क्स आए हैं। ठीक है, बाकी बच्चे आप बताओ, जयप्रीत, रितु, वेद प्रकाश, पी ए, टिरकी, आरजे, अंकिता, संजीव, एकता, आरजे क्या है 12।
नित्यशाही उसमें ना आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस में तो है, उसमें हमने बात की है मार्क्स एंड क्लास कलबेट थ्योरी की, और साथ ही साथ जब आपको हमने हिस्ट्री पढ़ाई है ना उसमें भी हमने टच किया है इस टॉपिक को। मतलब आपको हम इतना नॉलेज आपको बिल्ड करते हैं कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आ जाए ना आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे। वेद प्रकाश जी के 12 सही है, 3 रॉन्ग है, तो उनके आई गेस 11 मार्क्स आए, 11 मार्क्स आए उनके, उनके और कम मार्क्स आएंगे। 12 सही हैं, 3 रॉन्ग है ना उनके, तो उनके कम मार्क्स, उनके अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स आएंगे। बाकी बच्चे बताओ अभी कितने मार्क्स आए हैं, सब बच्चे बताएंगे। रिंजिंग कितने मार्क्स आए हैं, नित्या, दीप, रोहन, अमित, आरजे क्या कह रहे, लपेट, पता नहीं क्या कह रहे। कोई बात नहीं सेल्फी, कभी किसी के ज़्यादा कभी किसी के ज़्यादा, कोई इशू नहीं है उसमें। चलिए आज की वीडियो ये खत्म करते हैं, मैं आपसे अगले फ्राइडे को मिलूंगा, फ्राइडे सुबह 12 बजे आपकी कॉन्सेप्ट क्लास होगी। हम पार्टनरशिप चैप्टर कर रहे हैं, कल की वीडियो में हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, अगली वीडियो में पार्टनरशिप को हम आगे लेकर जाएंगे, तो क्लास को जरूर देखिएगा फ्राइडे सुबह 12 बजे। और सैटरडे सुबह 10 बजे फिर से हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे MCQ जो आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड अगली वीडियो मिलेंगे, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।